आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग रखी गई है। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर पिछले दो दिनों से राजस्थान में चल रही बयानबाजी के बीच राकेश टिकैत का ये पत्र सामने। मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या कुछ जानकारी? देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर के कल और जो राजस्थान राजनीति जो गर्मा गई थी, उसके बाद आज जो राकेश टिकैत जो किसान नेता, उन्होंने लेटर लिखा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह को और कहा है कि इस यो परियोजना को राष्ट्रीय मुद्दा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान में दो दिनों से जो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो वहाँ के जल संसाधन मंत्री है, उनके बीच में जिस तरीके से जो शीत युद्ध चल रहा है ट्विटर पर, उसको देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र कहा जा सकता है। चूंकि राकेश टिकैत किसानों के नेता रहे हैं और एक साल तक जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चला उसमें अगुवाई वो करते रहे, तो उनका ये लेटर लिखना भी एक महत्वपूर्ण है। और राकेश टिकैत भी राजस्थान की राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं और जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना है उसको लेकर के अब देश में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी। चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।